यह कहानी उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने सीखने के शुरुआती पड़ाव में थे। उन्हीं दिनों अपने भारत भ्रमण के दौरान एक बार स्वामी विवेकानंद जी जयपुर में ठहरे हुए थे। जयपुर के राजा स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने स्वामी जी को महल में आने का निमंत्रण भेजा। उस जमाने में यह रिवाज था कि जब भी राज परिवार में कोई बड़ा मेहमान आता था तो उनके सम्मान में राज दरबार में नाच गाने का आयोजन किया जाता था। स्वामी जी के आगमन की खुशी में जयपुर के राजा ने भारत की सबसे सुंदर वैश्या को राज दरबार में नाचने के लिए बुलाया। सारी व्यवस्थाएं की गई। जब सारी व्यवस्थाएं हो गई तो स्वामी जी के आगमन के दिन राजा को महसूस हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके आगमन में एक वैश्या को बुलाना सही बात नहीं, कहाँ वो इतने बड़े सन्यासी और कहाँ ये वैश्या। लेकिन राजा भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वैश्या की टोली महल में पहुँच चुकी थी, सारे गाने बजाने वालों की मंडली भी पहुँच चुकी थी। साथ ही स्वामी जी से मिलने के लिए राजा ने अपने बहुत से मित्रों को भी आमंत्रित किया था। इसके अलावा उसने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि स्वामी जी के आगमन को नाच गानों के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जब स्वामी जी महल में पधारे और उन्हें इस बात का पता चला कि उनके मनोरंजन के लिए एक वैश्या को राज दरबार में बुलाया गया है, तो वो महल के एक कमरे में अंदर चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। स्वामी जी को इस बात का डर था कि कहीं उस वैश्या को देखकर उनके अंदर की काम वासना जागृत ना हो जाए, उनका मन व्यग्र ना हो जाए। राजा बाहर से आवाज़ लगाते रहे, स्वामी जी से आग्रह करते रहे, पर स्वामी जी ने राज दरबार में जाने से साफ मना कर दिया। राजा बाहर से माफ़ी मांगते रहे और कहते रहे कि मुझसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि आज तक कोई सन्यासी राजमहल पधारा ही नहीं और मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला किसी सन्यासी का स्वागत करने का, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि एक सन्यासी का स्वागत कैसे करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया। वैश्या को भी महल से निकाला नहीं जा सकता था क्योंकि वह बहुत ही बड़ी और आला दर्जे की नाचने वाली थी, पूरे देश में उसका नाम था। राजा दुविधा में फंस गए। जब वैश्या को इस बात का पता चला कि स्वामी जी उसकी वजह से बाहर नहीं निकल रहे, तो उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। उस गाने का मतलब था कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं, वो तो उनके सामने गली की धूल भर हैं, पर वो उसके लिए निर्दयी क्यों हैं, वो तो अज्ञानी हैं, पापिन हैं, पर स्वामी जी तो ज्ञानी हैं, उन्हें एक तुच्छ वैश्या से कैसा डर। जब स्वामी जी ने यह सुना तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक वैश्या से कैसा डर, असल में वो उस वैश्या से नहीं बल्कि अपनी काम वासना से डर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब मेरे मन के किसी कोने पर काम वासना ने आज भी घर कर रखा है। स्वामी जी ने महसूस किया कि इसका उपचार वैश्या को महल से बाहर निकालना नहीं बल्कि काम वासना के विचारों को मन से बाहर निकालना है। इसके बाद स्वामी जी दरवाज़ा खोल कब से बाहर आए और उस वैश्या से जाकर कहा, हे देवी, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे मन में बैठी काम वासना की थी, जिसे अब मैंने अपने मन से पूरी तरह से निकाल फेंका है। स्वामी जी ने उस वैश्या को पवित्र आत्मा कहा क्योंकि उस वैश्या ने ही स्वामी जी को यह महसूस करवाया कि उनके मन के किसी कोने पर काम वासना आज भी थी। उस वैश्या ने ही स्वामी जी को एक नया ज्ञान दिया, जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही स्वामी जी वासना मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई को छुआ, जिसके बाद वो इस पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी जी के जीवन की इस कहानी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे मन में उठने वाले विचार ही इस बात का निर्णय करते हैं कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं। जब स्वामी जी के मन में वासना के कुछ विचार थे तो उन्हें उस स्त्री में वासना नजर आई, लेकिन जैसे ही काम वासना के विचार गायब हुए तो उन्हें उस वैश्या में एक पवित्र आत्मा नजर आने लगी। यानी कि सब मन के विचारों का खेल है। हम अपने मन के विचारों को जैसे पोषित करेंगे और जैसे विचार या वातावरण इसे प्रदान करेंगे, यह वैसे विचार ही बार बार बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को सही और उचित विचारों से पोषित करें ताकि यह सही विचारों को जन्म दे, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।